नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेलकम लाइफ। तो आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाद में घंटी को जरूर दबा देना और पाए इसी तरह के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे हमारे इस चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको न्यू कार कैसे खरीदनी चाहिए, नई गाड़ी खरीदने समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको 6 ऐसी बातें बताऊंगा, उनको अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा नई गाड़ी खरीदने के लिए। तो सबसे पहला जो ऑफर होता है वो ये होता है कि हमेशा आपको गाड़ी साल का एंड होता है, साल में 12 महीने होते हैं, तो आपको दिसंबर में गाड़ी लेनी चाहिए। देखिए, साल का ज़्यादा मैटर नहीं रखता, लेकिन आपको डिस्काउंट चाहिए गाड़ी के ऊपर तो आपको साल के अंत में रखना चाहिए, क्योंकि जो सेल्समैन होता है, जो गाड़ी बेचने वाला होता है, सेल्समैन कंपनी जो है सेल्समैन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको साल के अंदर इतनी गाड़ी बेचनी है, तो उसके ऊपर दबाव रहता है। और जो गाड़ी होती है, अगर आप जाओगे तो आपको 100% सो है कि आपको गाड़ी देगा ही देगा, कुछ भी करना पड़े थोड़ा बहुत। तो सबसे पहली बात कि आपको साल के अंत में खरीदनी चाहिए। दूसरी जो बात यहाँ पे है कि फ्री सर्विस, वो आपको ऑफर देगा कि फ्री सर्विस या डेफलन कोटिंग में आपको जो है डिस्काउंट मिल दिया जाएगा। तो आपको कह देना है कि मुझे इसमें कुछ डिस्काउंट नहीं चाहिए, मुझे इसमें डिस्काउंट नहीं चाहिए, तो ये दोनों चीज़ आपको नहीं लेनी है। सेल्समैन आपको जो है वो आपसे कुछ पैसे भी ऐंठते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे आपसे अर्न कर सकते हैं और करते भी हैं, क्योंकि उनके ऊपर डिपेंड होता है किस तरीके से करते हैं, वो भी बताता हूँ। तो थर्ड नंबर पर है कि कलर कार, जो भी कार शोरूम में है वही आपको लेनी है। और जो आप कलर, मान लीजिए जो कलर आपने सोच रखा है अगर शोरूम में नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप उसकी कहोगे और वो गाड़ी शोरूम में नहीं है तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। जो गाड़ी शोरूम के अंदर है तो तभी आपको डिस्काउंट मिल सकता है, और उसी गाड़ी को लेने की आप कोशिश करें तो अगर वो गाड़ी वहाँ पर है तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट होगा। और फोर नंबर पर न्यू कार डिस्काउंट नहीं होगा। देखिए, ये बात हमेशा ध्यान रखना, जो न्यू गाड़ी मान लीजिए लॉन्च हुई है जनवरी के अंदर या फिर साल उसको हो गया तो बात अलग है, लेकिन एक न्यू है जो है ट्रेंडिंग में चल रही है जिस मार्केट के अंदर, तो उसमें आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा गाड़ी के अंदर, उसमें आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। जो है थोड़ा बहुत पुराना गाड़ी चल जाएगा, मतलब कि एक दो साल जो चल रही है फिलहाल, और एक न्यू ही कोई गाड़ी आती है तो उसमें आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि सेल्समैन कैसे कमाते हैं। तो आपको इंश्योरेंस से जो है सेल्समैन कमाते हैं, वो आपसे कहेंगे कि 4-5 हज़ार में आपको कुछ बढ़ोतरी दे देंगे वो, और 4-5 हज़ार का कुछ डिस्काउंट में आपको करेंगे, लेकिन आपको इंश्योरेंस वगैरह इन सब चीज़ों से कुछ नहीं जो है बचना है, लेकिन आपका जो है 4-5 हज़ार का कुछ इंश्योरेंस में कुछ कर देंगे वो बेनिफिट। और एसेसरीज जो होती है गाड़ी की, वो कभी भी आपको तुरंत नहीं लेनी है, जब भी लेनी है या तो 1 महीने बाद या फिर 3-4 महीने बाद आपको एसेसरीज लेनी है। तो ये कुछ टिप्स हैं अगर आप एक न्यू गाड़ी या न्यू कार लेते हैं, तो इन सब चीज़ों को जो है ध्यान में रखिए, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा और अच्छी खासी आप एक गाड़ी ले सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं।